वेलकम। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद। कल रात्रि में जब चंडीगढ़ से 2:30 बजे के आसपास वापस आ रहा था, बड़ा दुख हुआ कि आज हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कंसेप्ट को भूल के सिर्फ अपने स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं, चाहे पूरा इलाका परेशान रहे। मैंने देखा कि जो हमारी मेन लाइन थी डबुआ पाली रोड पे, कुछ लोग अवैध तरीके से पंचर करके उसका पानी दूसरी तरफ ले जा रहे थे। तत्काल मैंने 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को भी बताया, सुबह नगर निगम कमिश्नर साहब को भी बताया। और मैं सबसे एक अपील करना चाहूँगा, आज ज़्यादातर घरों से शिकायत आती है पानी गंदा आ रहा है। मैंने अपने इलाके का एक एक बूस्टर जाके चेक किया, रेनीवेल का जहाँ से पानी आ रहा है मास्टर बूस्टर चेक करा, मुझे कहीं भी गंदा पानी नज़र नहीं आया। गंदा पानी आने का सबसे मेन कारण जो ये अवैध तरीके से मेन पाइपलाइन को लीक करते हैं, पंचर करते हैं, उनकी वजह से आता है। आप भी रात बिरात में कहीं भी किसी को देखें, उसकी वीडियो बना के मुझ तक ज़रूर भेजें, जिससे मैं प्रशासन को आगाह कर पाऊँ। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि भाई ऐसा अनैतिक कार्य ना करें। इस तरीके से सरकारी लाइन को रात के 2-2 बजे तक पंचर ना करें। हो सकता है शायद आपकी गली में तो पानी आ जाए, पर वो इतना पानी वेस्ट होगा जो लाखों आपके भाई बहन हैं वो बिना पानी के प्यासे ही रहेंगे, तरसेंगे ही। और प्रशासन को भी चाहिए कि रात दिन इस चीज़ की गश्त करे। जब अडानी के पाइप में पंचर हो तो साथ के साथ पता लग सकता है। तो ये हमारे नगर निगम वाले, इतनी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपया शहर में खर्च हो गया, क्या स्मार्ट सिटी में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते कि जिससे कोई भी पानी को पंचर करना चाहे उसकी तत्काल सूचना पता कर लेंगे। और इसकी सारी सूचना मैंने प्रशासन को दे दी है, इस उम्मीद से कि प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि भविष्य में ऐसा कार्य ना हो। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।